एक पासे जिथे ग्रीन ट्रिब्यूनल दीआं हदायतां उत्ते पंजाब सरकार ने इस बार झोने की पराली नूं साड़न तों किसान वर्ग नूं वर्जित करदिआं इस मामले उत्ते सख्त हुक्म दित्ते ने, उत्ते ही दूजे पासे इस फैसले विरुद्ध मजबूरी वस पिंडां दे किसान बागी हो गए ने। मोगा दे पिंड रोली अते रावकी कलां दे किसानां ने इस मामले उत्ते हंगामी मीटिंग करके हर हाल विच पराली नूं अग लगाउण दा ऐलान कर दित्ता है। पिंड रावकी कलां दे किसानां ने तां पिंड विच इक पराली दे खेत नूं अग लगा के ऐलान कीता है कि इस मामले उत्ते जेकर किसी किसान नूं कोई दिक्कत दा सामना करना पिया तां पूरा पिंड उस किसान दा साथ देवेगा। इकट्ठ दौरान पिंड दे आगुआं ने स्पष्ट कीता है कि यह फैसला किसी एक किसान दा नहीं सगो पूरा पिंड इस मामले उत्ते इकजुट है। असी जिहड़ी झोने की पराली है पंजाब सरकार ने इत्थे पाबंदी लाई है, जिमीदार इस पराली नूं की करे सांभण वास्ते कोले कोई साधन नहीं, कोई इस नूं वाहण वास्ते सरकार ने सानूं संद नहीं दिता गा, ते ना ही साडे कोले एडे वड्डे ट्रैक्टर आ गए जिन्हां नाल असी इस पराली नूं सांभ सकीए। जे पंजाब सरकार ने पाबंदी लाउणी है ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਆਪਸੇ ਫਸਲ ਖੜ ਕੇ ਸੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ